कंप्लेंट बढ़ेगा, उनसे गुजारिश करूंगा। तो इनका हक बनता है रूप, चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल। आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर एंड शिमला से जो स्ट्राइक की कॉल थी 1 मार्च से चल रही है, अभी 12वें दिन में दाखिल हुआ। अभी तक सरकार की तरफ से कोई पेशरफ नहीं जो होनी चाहिए थी। अपनी डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट कर, जो हमारी दो ही डिमांड्स हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, रेगुलर सैलरी, हमारे लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर किया जाए। अभी तक आपने देखा कि हमारे जो फैटर्निटी में तकरीबन 6 लोगों की डेथ हुई है, आज तक उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, उनका फ्यूचर सिक्योर बनाए, उनकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर बनाया जाए। हमारा सरकार से आज भी मुतालबा रहेगा और पहले भी मुतालबा, आइंदा भी मुतालबा। अगर सरकार इस पॉलिसी को फ्रेम करने में नाकाम रही, कहीं ऐसा ना हो कि इस एजिटेशन को और सख्त करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार बताए दो। अभी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग ऑनरेबल हाउस मिनिस्टर से भी हुई थी, उससे पहले MOS से भी हुई थी, ऑनरेबल वर्दी डायरेक्टर से भी हुई थी। अभी बात चल रही है, हमारा डेलीगेशन जम्मू में ही है, बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक बात पहुँचती है। अगर मुस्बत नतज सामने, इस स्ट्राइक को कॉल भी करना पड़ेगा, अगर नतज मुस्बत सामने नहीं आए तो स्ट्राइक को आगे भी ले जाना। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पूरा बिखरा हुआ है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, आप देख सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से कोई इम्यूनाइजेशन नहीं हुई हेल्थ सेक्टर में, कोई ऐसा जहाँ हम पेरीफेरी के पर थिएटर भी कई जगह बंद है, SNCs भी बंद है, OPD ठप पड़ा हुआ है, गैनी सेक्शन बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा।